हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आपके आप सब ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एक यूट्यूब चैनल था जिसका नाम था मिस आल सी। यह चैनल अब यूट्यूब पर नहीं है, यह चैनल को डिलीट कर दिया गया है। और क्यों डिलीट किया गया है मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो एंड वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, नहीं तो आप बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स मिस कर जाओगे। तो वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मिस आलसी करके एक यूट्यूब चैनल था जिसका 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर थे, वो चैनल डिलीट कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया यूट्यूबर से। तो क्यों हुआ? तो इसलिए हुआ क्योंकि उसने दूसरे का वीडियो को यूज किया था, जिसके वजह से उसके पास मल्टीपल स्ट्राइक आने की वजह से उसका चैनल है वो यूट्यूबर से डिलीट कर दिया गया है। मैंने तो पहले ही और सारे वीडियो में बता करके रखा, यही सब वीडियो है, इस वीडियो में मैंने बता करके रखा था ये मिस्टेक करने से चैनल डिलीट हो रहा है, शॉर्ट चैनल। लेकिन फिर भी लोग नहीं सुन रहे और वो मिस्टेक करते ही जा रहे हैं, करते ही जा रहे हैं, और लोगों का चैनल डिलीट होते जा रहा है, होते जा रहा है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ कि आप लोगों को क्या मिस्टेक नहीं करना है। तो पहले बात करते हैं कि अपने चैनल पर क्या मिस्टेक किए थे। तो इसने दूसरे का वीडियो यूज किया था, जैसे कि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम का वीडियो डाउनलोड करके अपलोड करते थे यूट्यूब पर, जिसकी वजह से इसका चैनल डिलीट हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप यूट्यूब पर से वीडियो अपलोड करते हो डाउनलोड करके तो आपको स्ट्राइक आए, ऐसा नहीं है। अगर आप फेसबुक पर से वीडियो डाउनलोड करते हो और यूट्यूब पर अपलोड करते हो तो मैं बता दूं आप लोगों को, वो वीडियो पहले से ही यूट्यूब पर अपलोड होता है। शायद आप यूट्यूब पर नहीं देखे होंगे और फेसबुक पर देख लिया, उस वीडियो को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया और वो जो ऑनर है उस वीडियो का वो आपको स्ट्राइक दे देता है। तो ऐसा आप लोग नहीं करना, आपको अपना कंटेंट डालना है, रियल कंटेंट डालना है। मैं आप लोग बता दूं, पहले शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन नहीं था तो लोगों का स्ट्राइक बहुत कम देखने को मिलता था। स्टार्टिंग में जब मोनेटाइजेशन आया तो धीरे धीरे लोगों का स्ट्राइक मिला, स्टार्ट हो गया। और मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग वीडियो का जो कम्युनिटी गाइडलाइन होता है और वही शॉर्ट्स पर अप्लाई हो गया। तो आप लोगों को आपसे दूसरे का वीडियो अपलोड नहीं करना, अपना खुद का कंटेंट अपलोड करो। जैसे कि मिस होशियार करके एक यूट्यूब चैनल, उसको देख लीजिए, उसने सारे वीडियो डिलीट कर दिया पहले वाला और आप वीडियो अपलोड कर रहा है जो कि ब्लॉगिंग कर रही है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को भी करना, आप लोगों को जो भी कंटेंट अच्छा लगता है बनाने में वो कंटेंट बनाओ, दूसरे का वीडियो यूज मत करो, आप संभाल जाओ, क्योंकि इस तरीके का चैनल है वो डिलीट किया जा रहा है। आप चाहे दूसरे का वीडियो अपलोड करते हो उसका ऑडियो म्यूट कर देते हो, लेकिन फिर भी इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि इसका भी ऐसे वीडियो पर भी स्ट्राइक आ रहे हैं। तो आप लोग संभल जाइए, कुछ भी हो सकता है आगे चल करके, क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट्स मोनेटाइजेशन है वो स्टार्ट हो गया और लॉन्ग वीडियो का जो गाइडलाइंस रूल्स थे वही गाइडलाइन रूल्स शॉर्ट्स पर भी अप्लाई हो गए हैं, सेम हो गए हैं दोनों, इसीलिए बहुत ही सारे लोगों का चैनल डिलीट कर दिया जा रहा है। तो आप लोग समझ जाइए, अपना खुद का वीडियो अपलोड कीजिए, अपना खुद का कंटेंट अपलोड कीजिए और आप लोग ऐसे वीडियो को अपलोड कीजिए जिस पर स्ट्राइक ना आए, इस तरीके के वीडियो अपलोड कीजिए। आप लोग ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। अगर आप लोग का पहले से वीडियो अपलोड है तो उस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, और आपको एक बार में डिलीट नहीं करना, जैसे जैसे आप नए वीडियो अपलोड कर रहे हो उसी प्रकार से आपको पुराने वीडियो को डिलीट करना है। मैंने पहले ही बता के रखा है पिछले वीडियो, तो उस वीडियो को जरूर एक बार चेकआउट कर लेना। बाकी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया है, मैंने क्या आपको वीडियो में समझाना चाहा, आपका आप लोग समझ गए हो। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो पर इसी प्रकार का वीडियो देता हूँ, शॉर्ट से रिलेटेड, लॉन्ग वीडियो से रिलेटेड मैं आपको यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बताता हूँ। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए वंदे मातरम।